18 दिन तक हुआ था महाभारत का युद्ध। इस युद्ध में शामिल हुए थे कई महान योद्धा। इन योद्धाओं के एक गुरु थे द्रोणाचार्य। हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर करें क्लिक। द्रोणाचार्य ने अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुधर बनाने का प्रण क्यों लिया था? क्या थी इसके पीछे की वजह? महाभारत में कहानी के अनुसार गुरु द्रोणाचार्य को अपने पुत्र अश्वत्थामा के साथ किए गए उपहास ने इतना आहत कर दिया था कि इन्होंने इस उपहास का प्रतिशोध लेने की प्रतिज्ञा कर ली। ये उस समय की बात है जब गुरु द्रोणाचार्य पांडवों और कौरवों के गुरु के रूप में नियुक्त नहीं हुए थे। द्रोणाचार्य की शिक्षा दिशा द्रुपद के साथ एक गुरुकुल में हुई थी। बालपन में द्रुपद ने द्रोणाचार्य को राजा बनने के बाद अपना आधा राज्य देने का वादा किया था। दोनों बचपन से ही एक दूसरे के मित्र थे। शिक्षा दीक्षा पूरी होने के बाद द्रुपद पांचाल देश के राजा बन गए, जबकि द्रोण को जीविका निर्वाह के लिए कोई साधन नहीं मिल पाया। गुरु द्रोण के दिन घोर गरीबी में बीत रहे थे। वो अपनी पत्नी और पुत्र अश्वत्थामा के लिए दो वक्त की रोजी रोटी का भी प्रबंध नहीं कर पाते थे। अश्वत्थामा पांचल देश के राजा के बालकों के साथ खेला करता था। इस दौरान अपनी पत्नी के कहने पर गुरु द्रोण ने राजा द्रुपद से मदद मांगने का निश्चय किया। द्रोण राजा के दरबार में जा ही रहे थे कि अचानक उन्होंने एक घटना देखी। अश्वत्थामा को राजवंश के कुछ बालक दूध पिला रहे थे। जब गुरु द्रोण ने पास आकर देखा तो वास्तव में वो दूध नहीं बल्कि चावल के आटे को पानी में मिलाकर बनाया गया पदार्थ था। सभी बच्चे अश्वत्थामा का उपहास उड़ा रहे थे, जबकि बालक अश्वत्थामा को ये अपने हाथ हुए छल के बारे में पता ही नहीं था। वो बड़े प्रसन्न होते हुए अपने पिता द्रोण के समीप आकर बोला, पिताजी मैंने आज दूध पिया, मेरी आत्मा तृप्त हो गई। अपने पुत्र के इस भोलेपन को देखकर गुरु द्रोण के आंसू झड़ गए। बचपन में अपने मित्र का वादा द्रोणाचार्य के दिमाग में था। अपने दुख को दबाते हुए वो राजा द्रुपद के पास पहुँचे। उन्होंने राजा द्रुपद को अपना वादा याद दिलाया। द्रुपद ने गुरु द्रोण की बात को गंभीरता से ना लेते हुए उनका उपहास उड़ाना शुरू कर दिया, साथ ही उनका बहुत अपमान भी किया। अपने मित्र के मुख से ऐसे कठोर वचन सुनकर गुरु द्रोण को बहुत क्रोध आया। उन्होंने अपने अपमान और अपने पुत्र अश्वत्थामा के साथ हुए छल का प्रतिशोध लेने की प्रतिज्ञा कर ली। द्रोण ने अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुधर बनाने का वादा किया और बदले में द्रुपद को घुटने के बल माफी मंगवाने को कहा। उसके बाद अर्जुन ने गुरु द्रोण की प्रतिज्ञा को पूरा किया।